Hello everyone, this is Riti Dubey and in this video we are going to study about the geometric design of highway. But before we go to the geometric design of highway, we need to understand the various aspects of designing. So first of all, I'm going to explain you for better understanding the engineering survey which is held before the construction procedure start. So first of all, जो एक है हमारा जो हम लोग इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं, तो वो इंजीनियरिंग सर्वे के क्या क्या स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि इंजीनियरिंग सर्वे जो किसी भी पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन से पहले देते हैं, तो वो हमारा जो सर्वे होता है उनमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चार चीज़ें होती हैं, हमें चार स्टेप में हमारा जो सर्वे है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले है हमारा मैप स्टडी, और दूसरा है हमारा रिकग्नाइजेंस सर्वे, थर्ड इज़ प्रिलिमिनरी सर्वे एंड फोर्थ वन इज़ फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। तो सबसे पहले मैप स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, जो जिस भी एरिया पे हमें पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन करना है उस एरिया को हम लोग पूरा मैप पे स्टडी करेंगे, उसके टोपोग्राफिकल मैप को थ्रू आउट स्टडी करते हैं, उस एरिया के जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को समझने की कोशिश करेंगे कि वो एरिया है कैसा और वहाँ पे किस तरीके का पेवमेंट जो होगा वो सूटेबल होगा, हम लोग किस तरीके से वहाँ पे पेमेंट बनाएंगे, कैसी उसकी अलाइनमेंट सेट करेंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोग मैप स्टडी में देखते हैं। बेसिकली एक डिटेल्ड सर्वे होता है हमारा एरिया का, तो वो हम लोग टोपोग्राफिकल मैप की स्टडी से मैप स्टडी करते हैं जिस भी एरिया पे हमें पेमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है। सेकेंड वन इज़ रिकग्नाइजेंस सर्वे, तो ये जो है वो हमारा सबसे इसमें जो डिटेल स्टडी होता है कि जो भी रोड हम लोग बनाने वाले हैं वो सबसे मोस्ट फिजिबल क्या होगा, मोस्ट फिजिबल रोड क्या होगी, उसी का डिटेल सर्वे हम लोग करते हैं रिकग्नाइजेंस में। थर्ड वन इज़ प्रिलिमिनरी सर्वे, तो प्रिलिमिनरी सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, सारे फिजिकल इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी उस लोकेशन की उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर हमें क्या करना है, सपोज़ अगर कोई रोड है वहाँ पे वो रेन प्रोन एरिया है, फ्लडेड प्रोन एरिया है, या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वहाँ पर गुजरने के चांसेस हैं, तो वो हम लोग उसका प्रिलिमिनरी सर्वे एक तरीके से करते हैं, वहाँ के फिजिकल इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। और उस बेसिस पे जैसे सपोज़ हम लोग IMD से डेटा लेंगे कि वहाँ पे रेन का क्या सीन है, तो वहाँ से जो हम लोग फिजिकल इंफॉर्मेशन निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, वो आता है हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे के अंतर्गत। उसके पास जो हमारा फोर्थ है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे, एक बार अगर हमने उस पर मैप स्टडी, जैसे सपोज़ हमें जिस भी एरिया का पेमेंट कंस्ट्रक्ट करना है तो हमने वहाँ की मैप को स्टडी कर लिया है, वहाँ का जो मोस्ट फिजिबल रोड है हमने वो डिसाइड कर लिया, वहाँ की फिजिकल इंफॉर्मेशन निकाल ली, तो अब हमें क्या करना है उस लोकेशन पे फाइनल हम लोग उसकी डिटेलिंग में सर्वे करेंगे, लाइक जो भी हमें अलाइनमेंट सेट करना है उस रोड का, जो भी रोड है उसकी लेवलिंग करेंगे, उसका सेंटर लाइन डिसाइड करेंगे, तो ये सब हमारा फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे में आता है, राइट। तो जो हमारे इंजीनियरिंग सर्वे है वो ओवरऑल फोर पार्ट में डिवाइडेड है, मैप स्टडी, रिकग्नाइजेंस, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड फाइनल लोकेशन, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, राइट। फिर आता है हमारा रोड पैटर्न, तो रोड पैटर्न जैसा कि हम लोग ने इसके पहले भी एक बार देखा हुआ था कि रोड पैटर्न किस किस तरीके का होता है, तो एक तो हमारा रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो हमारा रेक्टेंगुलर एंड, तो जब भी हम लोग सपोज़ अगर हम लोगों ने रोड कंस्ट्रक्ट किया या रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम लोग यहाँ पर सपोज़ अगर हम लोग कोई ऐसा एरिया ले रहे हैं जैसे सपोज़ वो मार्केट प्लेस है या फिर वो कोई रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ पर हम लोग किस तरीके के रोड पैटर्न को डिसाइड करेंगे, किस तरीके से रोड पैटर्न रोड को डिसाइड करेंगे कि उसके लिए सबसे मोस्ट फिजिबल क्या होगा, कि उसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स को हमें ध्यान रखना है। जैसे पैरामीटर्स का ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा कंजेशन किसी भी पॉइंट पर नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कोई भी इंटरसेक्शन बनाने से पहले हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत कोलिजन पॉइंट ना क्रिएट हो, तो कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रोड पैटर्न को डिसाइड करने से पहले ध्यान में रखना होता है। और उससे भी पहले हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारे एरिया है उसके हिसाब से कौन सा रोड पैटर्न मोस्ट सूटेबल है, राइट। तो हमारा सबसे पहला जो रोड पैटर्न है वो रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा सेंटर पोर्शन है ये हमारा सेंट्रल बिजनेस एरिया है, ठीक है। और हमने पूरे एरिया को क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर पार्ट में डिवीज़न दिया है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्ट दे दिया, बीच में हमारा सपोज़ कोई सेंट्रल बिजनेस एरिया है, लाइक अगर सपोज़ आपका कोई मार्केट है और उसके अगल बगल रेजिडेंशियल एरिया है, तो हम लोग उसके लिए रेक्टेंगुलरली उसको अगर डिज़ाइन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का ब्लॉक बनेगा, यहाँ बीच बीच में हमारे क्या होंगे,
जो हमारे बिल्ट अप एरियाज होंगे वो हमारे बीच बीच में होंगे, और ऐसा रोड बनाएंगे जहाँ पे हम लोग किसी भी बिल्ट अप एरिया से निकलें तो हम इस जो हमारा सेंट्रल बिजनेस एरिया है वहाँ पर इजीली पहुँच जाएं, राइट। तो ये हमारा फॉलो हुआ है चंडीगढ़ में। जो हमारा रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न होता है वो सबसे इजीएस्ट वे ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, ये बहुत ही आसान होता है बनाना, कन्वीनियंट भी बहुत होता है। बट इसमें एक जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है कोलिजन की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोलिजन पॉइंट्स बनेंगे। सपोज़ अगर मान लीजिए यहाँ पर रोड है, हमने एक रोड ऐसे निकालेंगे और एक रोड को फिर हम लोग इधर से निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, तो ये जो रोड निकालेंगे इस तरीके से तो कई जगह पर हमारे कोलिजन पॉइंट बनेंगे जो कि हम लोग जो है अवॉइड करते हैं उस चीज़ को। लेकिन क्योंकि ये इजीएस्ट एंड कन्वीनियंट है बनाना तो बहुत जगहों पर इसको फॉलो भी किया गया है। बट इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई भी बहुत पॉश एरियाज़ में हम लोग इस तरीके का नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से कोलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। हर 90 डिग्री के एंगल पर एक कोलिजन पॉइंट फॉर्म होगा, राइट। उसके बाद से है हमारा दूसरा पैटर्न, रेडियल एंड स्टार ग्रिड पैटर्न। तो रेडियल एंड स्टार ग्रिड पैटर्न जो है, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये नागपुर जो रोड प्लान है, नागपुर रोड प्लान जो हमारा सेकंड 20 ईयर रोड प्लान था, जो हमारा उस पर जो नागपुर रोड प्लान है वो हमारा सबसे पहले जो बना हुआ था रोड प्लान, उसके अंतर्गत ये हमारा आता है जो फर्स्ट रोड प्लान था, और उसको इसी बेसिस पे रेडियल एंड स्टार ग्रिड पैटर्न पे बनाया गया था। तो ये सपोज़ अगर हमारा ये सपोज़ ये बीच में हमारा सेंट्रल बिजनेस एरिया है और ये हमारे सारे बिल्ट अप एरियाज़ हैं, राइट। और ये जो हमारी यहाँ से जो निकली हुई है ये हमारी रेडियल रोड्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेडियल रोड है वो सारे रेडियल रोड जो हैं वो आके यहाँ सेंट्रल पार्ट पे मिल रहे हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो स्टार एंड ग्रिड टाइप का होता है, और जो हमारे रोड्स हैं वो रेडियल रोड हैं, इस वजह से इसका नाम रेडियल एंड स्टार ग्रिड पैटर्न रखा गया है, राइट। फिर हमारे थर्ड पे आ जाइए, थर्ड हमारा है रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए सर्कुलर पैटर्न पे रोड को बनाया गया। सर्कुलर पैटर्न का मतलब जैसे ये हमारा बीच में सेंट्रल एरिया है तो ये सेंट्रल एरिया हो गया, और ये हमारे जो बिल्टअप एरियाज़ हैं, बिल्टअप एरियाज़ के बीच बीच में ये हमारे जो रेडियल रोड्स हैं। जो भी रेडियल रोड का हम लोग बनाते हैं वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, लाइक अगर ये हमारा बिजनेस एरिया है तो और ये हमारे रेडियल रोड है तो इनका जो मूवमेंट होता है वो हम लोग रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेडियल एंड स्टार ग्रिड पैटर्न हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पे। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो हम लोग करते हैं वो IRC 73 कोड के अंतर्गत करते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं बिफोर वी गो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, तो हमारे कुछ कुछ बहुत ही बेसिक फीचर हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइक क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इसी के अंतर्गत आता है। क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, साइड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा पेवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक पे आना है। फर्स्ट वन जो आता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के अंतर्गत वो है हमारा पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक में मतलब पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा पेवमेंट है वो हम कंस्ट्रक्ट ही कर रहे हैं कि उसमें हमारे व्हीकल्स मूव हो, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए हम लोग पेवमेंट बना रहे हैं स्मूथ मूवमेंट के लिए, लेकिन फ्रिक्शन का जनरेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन जनरेट प्रॉपरली नहीं करेगा तो व्हीकल्स फिर वो कंटिन्यूसली मूवमेंट प्रोसेस में ही होगा। तो फ्रिक्शन को डिसाइड कैसे करना है इसमें, तो एज़ पर IRC जो दो तरीके का फ्रिक्शन जो है वो डिफाइन किया गया है, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और एक लैटरल फ्रिक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, जैसे कि हम जानते हैं कि जो लेंथ के अलॉन्ग फ्रिक्शन होता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो 0.35 से 0.40 के बीच में वेरी करती है, लेकिन जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कोई भी वैल्यू ले लेंगे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू, स्मॉल एफ की वैल्यू हम लोग 0.35 हमेशा मान के चलते हैं, राइट। इसी तरीके से जब हम कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन निकालेंगे या ट्रांसवर्स फ्रिक्शन निकालेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू 0.15 लेते हैं। दिस वैल्यू इज़ एज पर IRC, राइट। ये इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग हमारी ये वैल्यूज़ हैं।
तो ये वैल्यू हमको ध्यान में रखनी है। हाँ, अभी हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि कहाँ पर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्शन की वैल्यू को लेते हैं, कहाँ पे हम लोग लेटरल फ्रैक्शन की वैल्यू को लेते हैं। तो अभी जब हम लोग इसके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे तो हमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्शन को लेना है, कहाँ पे लेटरल फ्रैक्शन को लेना है। तो पहला तो कैरेक्टर पेमेंट के कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है हमारा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में दो तरीके का याद रखना है हमको, फ्रैक्शन में दो तरीके का फ्रैक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल फ्रैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्शन की वैल्यू 0.35 टू 0.40 एंड लेटरल फ्रैक्शन की वैल्यू 0.15, राइट। उसके बाद से सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा स्किप एंड स्लिप, स्किड एंड स्लिप का, ठीक है, स्किड एंड स्लिप। अब हमें ये देखना है कि कब स्किडिंग की सिचुएशन आती है और कब स्लिप का सिचुएशन आता है। तो इसके लिए बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, इसमें तो खैर हमें दो कंडीशन दी हुई है कि अगर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ज़्यादा हो जाए और रोटेशनल मूवमेंट जो है वो हमारा कम हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो होगा वो स्किडिंग की सिचुएशन आएगी। अब जैसे हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि सपोज़ मान लीजिए हमारा कोई ट्रैक्टर है और वो ट्रैक्टर या कोई भी व्हीकल है वो हमारा किसी मड में फंसा हुआ है, ठीक है, मड में फंसा हुआ है, ठीक। अब ऐसे सिचुएशन में क्या, मान लीजिए मड है और हम ट्रैक्टर हमारा फंस गया, ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा व्हीकल होता है, जो हमारा जो भी गाड़ी होती है, जो भी ट्रैक्टर है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसको खूब एक्सेलरेट करते हैं, उसके एक्सेलरेशन को हम लोग इतना करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, इनिशियली जब वो फंसा रहता है तो उसका जो पहिया होता है, जो उसका व्हील होता है, वो लगातार रोटेट करता है लेकिन उसका मूवमेंट आगे की तरफ नहीं हो पाता है। तो अगर आपका पहिया घूम रहा है लेकिन लॉन्गिट्यूडनली वो मूव नहीं कर रहा है, यानी रोटेशन तो उसमें हो रहा है लेकिन वो लॉन्गिट्यूडनली मूव नहीं कर रहा है, तो वो सिचुएशन स्लिप की होती है। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि अगर हमारा कोई व्हीकल है, अगर वो किसी मड में फंसा हुआ है और मड में किसी दलदल में फंसे होने पे जब वो व्हीकल को हम लोग उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं तो हम उसके एक्सेलरेशन को बढ़ाते हैं, और जब उसके एक्सेलरेशन को बढ़ाते हैं तो वो पहिया जो है वो हमारा उसी वो वहीं पर रहता है, वो मूव कर नहीं पाता है, लेकिन सेम पोजीशन पे ही वो बार बार उसका पहिया जो है वो घूमता रहता है, तो वो हमारा रोटेशनल मोमेंट हो गया। तो यहाँ पर रोटेशनल मोमेंट हो रहा है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल जो हम एक्सेलरेशन क्यों बढ़ा रहे हैं कि हमारा जो गाड़ी है वो आगे बढ़ जाए, वो लॉन्गिट्यूडनली मूव करे, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट हो नहीं रहा है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोमेंट हो रहा है, वो पहिया घूम रहा है लेकिन गाड़ी आगे की तरफ बढ़ नहीं रही है। तो वो हमारी जो कंडीशन होगी वो स्लिप की कंडीशन होगी, जहाँ पर रोटेशनल मोमेंट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। उसी तरीके से अगर जैसे मान लीजिए हमारा लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट जो है, अगर लेंथ के अलॉन्ग हम मूव कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कभी हम लोग क्या होता है, हम लोग जा रहे होते हैं गाड़ी से और हम अपनी स्पीड को हाई कर लेते हैं, अगर स्पीड को हाई कर लेते हैं तो अचानक से जब हमारी स्किडिंग की सिचुएशन आती है तो ऐसे में क्या होता है, हम जैसे ही उसको करेंगे तो हमारा पहिया जो है वो घूमते हुए और हम क्या होता है कि एक जर्क के फॉर्मेशन की वजह से हम लॉन्गिट्यूडनली स्लिप मतलब स्किड कर जाते हैं, स्लिप नहीं सॉरी स्किड कर जाते हैं, हम इतना वेलोसिटी को बढ़ाते हैं हमारे पहिया जो है वहाँ पर रोटेशनल मोमेंट स्टॉप कर देता है और हमारे व्हीकल जो है वो पूरी तरीके से उस रोडवे पे स्लिप हो जाती है और फिर हम गिर जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर क्या होता है कि हमारा पहिए का रोटेशन जो है, रोटेशनल मोमेंट जो है वो कम हो गया और लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट जो है वो ज़्यादा हो गया, मतलब लेंथ के अलॉन्ग फिसल के हमारी गाड़ी कहीं दूर चली जाती है, हम भी उसके साथ कहीं दूर चले जाते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है और रोटेशनल मोमेंट जो है वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो ये जो सिचुएशन बनेगी हमारी वो स्किड की सिचुएशन बनेगी, राइट। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, स्किड और स्लिप की सिचुएशन कब बनेगी, तो स्किड की सिचुएशन तब बनेगी जब हमारा लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा और रोटेशन मोमेंट जो है वो कम होगा। स्लिप की सिचुएशन कब बनेगी, जब हमारा रोटेशन मोमेंट ज़्यादा होता है और लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट उसके कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो ये जो हमारे आते हैं स्किड, स्लिप एंड फ्रिक्शन, ये तीनों जो है हमारे पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं, विच कम्स अंडर दी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, राइट। उसके बाद से हमारा लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये भी हमारा आता है पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक में, क्योंकि जब हम पेमेंट बना रहे होते हैं तो हमें इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा जो पेमेंट है वो लाइट रिफ्लेक्टिंग कैसा होना चाहिए, या हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल भी स्किडिंग एंड स्लिपिंग वाला पेमेंट ना बने कि वहाँ पे स्किडिंग और स्लिप ज़्यादा हो जाए, या फिर ऐसा नहीं बनाएंगे, फ्रैक्शन का जनरेशन भी उसमें प्रॉपर होना चाहिए। तो ये हमारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में आते हैं। लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो ब्लैक टॉप पेमेंट है और उसके जो है वाइट स्ट्रिप बॉर्डर्स हैं, ठीक है, वाइट स्ट्रिप बॉर्डर हैं, ठीक। तो ये तो हम लोग देखते हैं, जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट हमारी जो है वो ब्लैक टॉप पेमेंट होता है, जो उसका जो पेमेंट होता है उसका जो टॉप पोर्शन होता है वो बिल्कुल ब्लैक होता है
और उसमें वाइट वाइट स्ट्रिप बॉर्डर्स लगे होते हैं। तो जो हम लोग सेंटर लाइन में बॉर्डर लगाते हैं वो लेन के डिविज़न के लिए लगाते हैं, जो कॉर्नर्स पे हम लोग लगाते हैं वो हम लोग विड्थ को डिसाइड करने के लिए लगाते हैं, जो हमारे कॉर्नर्स पे लगे होते हैं। आप अक्सर देखेंगे जब हमारी गाड़ी मूव करती है तो कॉर्नर साइड में भी वाइट स्ट्रिप लगी होती है, वो ये बताती है कि हमारा जो विड्थ है वो यहीं तक है, व्हीकल उसके आगे ना जाए, ठीक है, तो उसके लिए होता है। उसके बाद से जो दूसरा हमारा लाइट रिफ्लेक्टिंग में आता है, ब्लैक टॉप नो ग्लेयरिंग इफेक्ट इन मिड डे एंड वाइट स्ट्रिप बॉर्डर गाइड ट्रैफिक एट नाइट, ठीक है। जो हमारा ब्लैक टॉप पेवमेंट होता है वो क्या होता है कि कोई ग्लेयरिंग इफेक्ट नहीं देता है, वो एब्जॉर्बेंट होता है, तो जैसे ही हमारा पेवमेंट पे जो सनलाइट आती है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई ग्लेयरिंग इफेक्ट नहीं देता है, मतलब चमक नहीं आती उसकी वजह से हमारी आंखों पे। और जो वाइट स्ट्रिप होता है वो वाइट स्ट्रिप हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जो रात में क्या होता है कि अब जैसे फ्लेक्सिबल जो पेवमेंट होता है हमारा, वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट बिटुमिन और एग्रीगेट को मिक्स करके बनाते हैं जो इसके मेन कॉम्पोनेंट हैं। तो बिटुमिन जो है वो हमारा ब्लैक कलर का होता है। अब बिटुमिन जो है ब्लैक कलर का, तो दिन में क्या होता है, दिन की जो कंडीशन होती है, जो डे कंडीशन होती है, डे कंडीशन में जो हमारा पेवमेंट है वो ब्लैक पेवमेंट अगर है तो वो बहुत अच्छी बात है, और बीच में हमने जो वाइट स्ट्रिप लगा रखी है, चाहे हम लोगों ने सेंटर लाइन पे लगा रखी हो या फिर कॉर्नर्स पे लगा रखी हो। अब इन दोनों के जो वर्किंग है वो दिन और रात के हिसाब से चेंज कैसे हुआ, जैसे इसको ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्लैक टॉप पेवमेंट होता है वो लाइट एब्जॉर्बिंग होता है, तो जैसे जैसे हमारा पेमेंट पे लाइट पड़ेगा सपोज़ दिन में तो कोई ग्लेयरिंग इफेक्ट नहीं आता, जबकि अगर यही वाइट टॉप पेमेंट या ग्रेइश पेमेंट होता तो उसकी वजह से ग्लेयरिंग इफेक्ट आता, हमारी आंखों पे चमक आती और ड्राइविंग में प्रॉब्लम आती। तो जो ब्लैक टॉप पेमेंट होता है उसमें कोई ग्लेयर इफेक्ट दिन में नहीं आता है, लेकिन इसके ऑपोजिट रात की सिचुएशन में क्या होती है, जो ब्लैक होता है उसमें हमें फिर दिखना बंद हो जाता है, विजिबिलिटी नहीं हो पाती उतनी, तो उस पर जो हमारी वाइट स्ट्रिप जो होती है, वाइट स्ट्रिप वो ट्रैफिक को गाइड करने के लिए लगाई जाती है। जो सेंटर लाइन होता है वो ये बताता है कि हमारे बीच का ये हमारे पेमेंट का सेंटर है, और जो साइड होता है वो इसलिए लगाई जाती है कि गाड़ी जो है वो पेमेंट के बाहर ना चली जाए, इसलिए साइड पे वो कॉर्नर्स को डिसाइड करने के लिए और एजेस को डिसाइड करने के लिए लगाई जाती है, ताकि जो हमारा व्हीकल है वो जो हमारा ड्राइवर है उसको प्रॉपरली पता चलता रहे कि पेमेंट की विड्थ कहाँ से कहाँ तक है और कब वो सेंटर लाइन में है, कब वो कॉर्नर की तरफ जा रहा है, राइट। ये हो गया। फिर जो हमारा लास्ट है, इसके अंतर्गत जो आता है हमारा पेमेंट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में, लास्ट नहीं मतलब एक पार्ट, पेमेंट अनइवननेस, राइट, पेमेंट अनइवननेस। तो पेमेंट अनइवननेस क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो जो पेमेंट अनइवननेस का मतलब, अनइवन का मतलब एक जैसा नहीं, एक बराबर ना हो। अगर हमारी पेमेंट एक बराबर ना हो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अंडुलेशंस ज़्यादा होंगे, अंडुलेशन का मतलब ऊबड़ खाबड़, तो हमारी जो रोड होगी हमारी वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ होगी। तो इसको हम लोग मेज़र करते हैं, मेज़रिंग जो डिवाइस है उसका नाम है बम्प इंटीग्रेटर, राइट, डिवाइस का नाम है बम्प इंटीग्रेटर। और ये क्या करती है, ये वर्टिकल अंडुलेशंस को, सपोज़ अगर हमारा एक हम हॉरिजॉन्टल सरफेस लें तो ये बिल्कुल एक हमें इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल सरफेस लेना है, और उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा टॉप कभी ऊपर कभी नीचे, तो जो हमारा वर्टिकल अंडुलेशन होगा, जो राइज एंड फॉल होगा उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के रिस्पेक्ट में, उसको मेज़र करता है पर यूनिट लेंथ, और वो मेज़रिंग जो डिवाइस है वो हमारी है बम्प इंटीग्रेटर, ठीक है, बम्प इंटीग्रेटर। अब ये डिवाइस को कैसे अनइवननेस को मेज़र कैसे करती है आखिर, तो ये जो भी कार होती है उसके बैक साइड में हम लोग उसको अटैच कर देते हैं, और ये जो बनाया था CRRI ने बनाया था इसको, जो हमारा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो उसकी वजह से, रिसर्च से ये हमारा बम्प इंटीग्रेटर बना है, जो कि ये बताती है कि जो भी हमारा रोड है उसमें पर यूनिट अंडुलेशंस कितने हैं, ऊबड़ खाबड़ वो कितना है। तो अगर हमारा जो पेमेंट का अंडुलेशन जो है वो 101 किलोमीटर में 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है, तो वो जो हमारा पेमेंट होगा वो गुड पेमेंट काउंट होगा, यानी एक किलोमीटर में अगर 150 सेंटीमीटर या फिर उससे कम है तो वो जो हमारी पेमेंट की क्वालिटी होगी वो गुड पेमेंट के कैटेगरी में वो आएगा, ठीक है, ये हमारा पेमेंट अनइवननेस हो गया, राइट। अब देखते हैं हम कैम्बर एंड क्रॉस सेक्शन, तो कैम्बर एंड क्रॉस सेक्शन देखते हैं कि कैम्बर एंड क्रॉस सेक्शन, कैम्बर और क्रॉस स्लोप क्या है। तो कैम्बर का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज़ अगर हमारी कोई रोड है तो उस रोड में हम लोगों ने एक ट्रांसवर्स स्लोप, जैसे अगर हम मान लें कि ये हमारा रोड है और ये रोड की विड्थ है W, ठीक है। अब हमने क्या किया, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गई इसकी,
ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमने एक राइज दे दिया, वो राइज हमने कितना दिया, वाई, वाई का राइज दिया, ठीक है। अब हमने ये राइज देने का हमारा मकसद क्या है, ये राइज देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी हमारा रेन वाटर आता है ड्यूरिंग रेनी सीजन उसको ये ड्रेन ऑफ कर दे पानी को, ठीक है। तो कैम्बर जो है वो एक तरीके का ट्रांसवर्स स्लोप है जो कि हम रोड में प्रोवाइड करते हैं टू ड्रेन ऑफ दी रेन वाटर। सिंपली रेन वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए पेवमेंट से हम लोग ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये रोड का विड्थ है W और हमने ये यहाँ पर जो स्लोप दिया है वो Y का दिया है, वाई राइज दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम तीन तरीके के कैम्बर को देख सकते हैं। ये हमारा है स्ट्रेट लाइन कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर, और ये हमारा जो कैम्बर है वो स्ट्रेट प्लस पैराबोलिक। हमने यहाँ पर हाफ पोर्शन स्ट्रेट का दिया है और ये जो टॉप पोर्शन है वो पैराबोलिक दिया है, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक, इधर साइड में यहाँ तक ये हमारा स्ट्रेट होगा और बीच का जो पोर्शन होगा वो पैराबोलिक होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है हमारा स्ट्रेट एंड पैराबोलिक का। तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे, तो जब हम यहाँ पर y राइज की वैल्यू निकालते हैं तो हमने सिंपली टेन थीटा लिया हुआ है, टेन थीटा की वैल्यू हमने लिया, तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे y है और बेस अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, तो इस ट्रायंगल में जो हमारा बेस आता है वो बेस आता है हमारा डब्ल्यू बाई टू, राइट। तो W बाई टू जब हमारा बेस आएगा तो हम यहाँ से Y की वैल्यू को निकाल ली, Y की वैल्यू आ गई हमारी W अपॉन टू एन, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से सपोज़ हमने यहाँ पर ये हमने स्ट्रेट लाइन कैम्बर के लिए निकाल लिया, अब आता है हमारा पैराबोलिक कैम्बर। तो पैराबोलिक कैम्बर अगर हम लेते हैं तो पैराबोलिक कैम्बर के लिए अगर हमने x बराबर ज़ीरो और y बराबर ज़ीरो पे लिया है और एक वैल्यू हमने ली है x बराबर W बाई टू पे, y जो है वो हमारा y के बराबर है, तो हम पैराबोला का इक्वेशन जानते हैं एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई। तो ये कंडीशन से हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू आ गई हमारी टू एक्स स्क्वायर अपॉन एन डब्ल्यू, ठीक है, जहाँ पे w जो है वो विड्थ ऑफ रोड है, ठीक। उसके बाद से हम देखते हैं कुछ हमारे जो कैम्बर हैं, कैम्बर के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइडेड हैं बाय IRC। तो अकॉर्डिंग टू IRC जो हमारा कैम्बर का जो रोड का कैम्बर होगा वो डिपेंड करता है, सबसे पहले तो क्योंकि हम कैम्बर को बना ही इसलिए रहे हैं कि रेन वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। तो हमारा जो रेनफॉल इंटेंसिटी जहाँ पर जिस जगह की ज़्यादा होगी उस हिसाब से ही हम उसका कंस्ट्रक्शन देंगे, क्योंकि हर जगह जो हर लोकेलिटी हर जगह का टोपोग्राफी सेम तो होता नहीं है, कहीं पर हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, कहीं पर रेनफॉल इंटेंसिटी कम होगा, राइट। तो हम अगर कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं पर भी, तो हम कहीं पे भी कैम्बर प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम वहाँ की रेनफॉल इंटेंसिटी को देखेंगे, और अगर रेनफॉल इंटेंसिटी जैसी भी होगी उसी हिसाब से उसी टाइप ऑफ पेमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास IRC के हिसाब से कुछ वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ एज़ पर IRC गाइडेड वैल्यूज़ है ये, तो टाइप ऑफ पेमेंट है इधर और ये हमारा कैम्बर है। तो कैम्बर अगर हम कितना परसेंट कैम्बर हम कितना परसेंट राइज एंड फॉल देंगे ये चीज़ को हमें देखना है। तो दो कैटेगरी आती है हमारी, एक हैवी रेनफॉल एरिया की और एक लाइट रेनफॉल एरिया की। तो टाइप ऑफ पेमेंट सबसे पहले हमारे पास है सीमेंट कंक्रीट या फिर हाई बिटुमिनस सरफेस का, तो ये एक रोड हो गया हमारा टाइप ऑफ रोड। दूसरा टाइप ऑफ रोड है हमारा थिन बिटुमिनस सरफेस का। थर्ड वन इज़ फॉर WBM और ग्रेवल रोड, जो वाटर बाउंड मैकडम और ग्रेवल रोड होती है। एंड फोर्थ वन इज़ अर्थ रोड, ठीक है। तो जो हमारा सीमेंट कंक्रीट या हाइट ऑफ बिटुमिनस पेमेंट है, तो इसमें हम कितना जो मान लीजिए अगर हमारा कोई हैवी रेनफॉल एरिया है तो कैम्बर वहाँ पे 2% देंगे और लाइट रेनफॉल एरिया होगी तो 1.7 देंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारा जो हैवी रेनफॉल एरिया होगी और थिन बिटुमिनस सरफेस है तो वहाँ पर हम लोग 2.5 हैवी रेनफॉल के लिए कैम्बर देंगे, लाइट रेनफॉल के लिए 2, WBM के लिए इसी तरह हैवी रेनफॉल एरिया के लिए 3 और लाइट रेनफॉल एरिया के लिए 2.5। अर्दन रोड है, अगर अर्दन रोड है तो हैवी रेनफॉल एरिया के लिए कैम्बर जो है वो 4% और लाइट रेनफॉल के लिए 3%, ठीक है। तो जो हमारा कैम्बर है वो टाइप ऑफ पेमेंट और रेनफॉल, जैसा भी हमारा टाइप ऑफ पेमेंट होगा वो किस तरीके का पेमेंट है, WBM है, अर्दन रोड है, थिन बिटुमिनस सरफेस है, CC रोड है या हाई बिटुमिनस सरफेस रोड है, उस पर भी डिपेंड करेगा और जो एरिया होगा उसके रेनफॉल इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक।
जितना भी हम कैम्बर देंगे रोड का, सपोज जो हमारा रोड होता है तो पेमेंट का जो हमारा विड्थ होता है, तो पेमेंट के बाद हम लोग दोनों साइड में हमारे पास क्या होता है, शोल्डर होते हैं। तो जो शोल्डर होता है, शोल्डर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि शोल्डर हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, बट आप इतना जानो कि पेमेंट के दोनों साइड में हम लोग शोल्डर प्रोवाइड करते हैं, अगर वो हमारा सिंगल लेन है तो। अगर डबल लेन है और बीच में डिवाइडर है तो भी हम लोग दोनों साइड में उसको पेमेंट देंगे, उसमें हम लोग शोल्डर प्रोवाइड करेंगे। तो शोल्डर जो है हमारा वो ज़्यादा स्टीपर होना चाहिए पेमेंट से, क्योंकि क्या होता है कि पहले हमारा पेमेंट होगा और पेमेंट के बाद शोल्डर होगा। तो जब हमारा पेमेंट पे पानी गिरेगा तो पेमेंट को हमने क्या किया है, मिड पोर्शन जो है हमने वो राइज कर दिया। सपोज़ अगर हमारा ये डब्लू पेमेंट है और उसके बाद इधर हमारा शोल्डर होगा और इधर शोल्डर होगा, तो अगर ये पेमेंट पे हमने सेंटर पे क्या किया, राइज दे दिया डब्लू, ठीक है। अब रेनफॉल हुआ तो यहाँ पर पानी जो गिरेगा वो ड्रेन आउट होके इस एरिया में आ जाएगा, और यहाँ पे भी जो गिरेगा वो ड्रेन आउट होके इस एरिया में आएगा। इस एरिया में ड्रेन आउट होने के बाद वो यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएगा। तो जो हमारा शोल्डर है वो अगर इससे ज़्यादा स्टीपर नहीं हुआ, उससे हमको वहाँ पर जो क्रॉस स्लोप होगा, जो कैम्बर होगा, वो और थोड़ा सा कैम्बर देना पड़ेगा ज़्यादा शोल्डर के एरिया में, नहीं तो वो पानी जो है वो हमारा शोल्डर में आके इकट्ठा हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि शोल्डर भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पेमेंट के पूरे स्मूथ रन जो हमारा ट्रैफिक करता है उसके लिए। तो जो भी हम यहाँ पर कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, शोल्डर का जो कैम्बर होगा वो 0.5% स्टीपर होगा जो कि हमारा पेमेंट का कैम्बर होगा उससे, ठीक है। उसके बाद से जो हमारी सीसी रोड होती है, जो हमारा सीसी पेमेंट होता है, उसके लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन कैम्बर जो है वो प्रेफर करते हैं। जबकि अगर हम ये चाहते हैं कि कोई बहुत ही हम लोग ऐसा पेमेंट बना रहे हैं जहाँ पर बहुत ही ओवरटेकिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर वहाँ पे फास्ट मूविंग व्हीकल्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे सपोज़ अगर हम लोग कोई NH बना रहे हैं तो एक सिटी से दूसरे सिटी में लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, तो वहाँ पे जो व्हीकल्स होती हैं वो हमेशा एक दूसरे को ओवरटेक भी करती रहती हैं और वो फास्ट मूविंग व्हीकल्स भी होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो हम लोग कैम्बर देना प्रेफर करते हैं वो हमारा पैराबोलिक या फिर इलेप्टिकल कैम्बर होता है, राइट। तो ये तो कुछ बातें थी हमारी कैम्बर से रिलेटेड। अब आ जाइए हम एक रिलेशन देखते हैं ग्रेडियंट और कैम्बर के बीच में। तो ग्रेडियंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना है। ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 इंटू कैम्बर। कैम्बर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ग्रेडियंट को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाता है जी बराबर 2C का। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल क्वेश्चन, लाइक अगर जो हमारे एक नंबर के क्वेश्चन में अक्सर ये पूछता है। तो G इज इक्वल टू 2C, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेडियंट एंड कैम्बर, राइट। अब हम देखते हैं कि जो हमने कैम्बर प्रोवाइड किया है, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम कैम्बर प्रोवाइड कर दें तो कैम्बर तो हमारा बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारा जो वाटर लॉगिंग की कंडीशन को पेमेंट पे इकट्ठा नहीं होता, पेमेंट पे पानी नहीं रुकेगा, तो हम इसका मतलब ये नहीं कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना कैम्बर प्रोवाइड कर दें। तो अगर हम एक्सेसिव कैम्बर अगर देने लगेंगे किसी भी रोड पे तो वहाँ पे क्या क्या डिसएडवांटेजेस की सिचुएशन आएगी हमें वो देखना है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज देखें, अगर हम कैम्बर दे देंगे ज़्यादा, तो सपोज़ अगर हमारा ये कैम्बर है और ये हमने मिड में राइज दिया हुआ है, अगर ये हम मिड में राइज ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, हमारी जो व्हीकल्स मूव कर रही हैं वो तो बिल्कुल टिल्टेड फॉर्म में चलेंगी, तो स्मूथ रन नहीं कर पाएगा व्हीकल हमारा, वो व्हीकल जो है वो टिल्ट हो जाएगा, और टिल्ट होने की वजह से जो पैसेंजर्स होंगे वो हाईली अनकंफर्टेबल होंगे उसमें, तो डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है अंदर, ठीक है। तो जो एक्सेसिव कैम्बर देने की वजह से व्हीकल्स टिल्ट हो जाते हैं और अनकंफर्टेबल मूवमेंट होता है, राइट। उसके बाद से जो हमारी सेंटर लाइन टेंडेंसी है, अब क्या होता है कि हमने इसको सेंटर में ही प्रोवाइड किया है राइस, और सेंटर के ही कंपैरिजन में हमने दोनों साइड में क्रॉस स्लोप को दिया है, सेंटर में ज़्यादा देते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जो हमारा सेंटर लाइन होता है वो व्हीकल्स को गाइड करने के लिए एक तरीके से लगा रहता है कि ये सेंटर लाइन है और उसी के अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट करना होता है। तो एक व्हीकल या जो ड्राइवर होता है उसकी सेंटर लाइन मूवमेंट की टेंडेंसी होती है, तो जो हमारा सेंटर लाइन होगा वो ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेसिव कैम्बर अगर हम बहुत ज़्यादा राइज कर देंगे तो सेंटर लाइन हमारा पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जो रट्स या फिर डिप्रेशंस फॉर्म हो जाते हैं अगर हम एक्सेसिव कैम्बर देते हैं तो, ठीक है। हो सकता है कि जो हमारा व्हीकल मूव कर रहा है उसमें किसी एक साइड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए, ठीक है, किसी एक साइड पे प्रेशर कम आए, तो इस वजह से अगर हमारा कैम्बर ज़्यादा होगा तो जो प्रेशर का वेरिएशन होगा
वो साइड बाय साइड बहुत अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक्सेसिव कैम्बर प्रोवाइड करने के डिसएडवांटेजेस थे। राइट, आई होप दिस विल रियली हेल्पफुल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट मेनी मोर एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक पेमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।